इंतहाई जी कदर जी इज़्ज़त हाज़रीन मजलिस शिया सुन्नी भाई, शरीयत दे दर्जात ने जिमें तालीम दे दर्जात ने, तो इसी तरीके नाल दर्जात नाल निज़ाम कायम है। तो शरीयत दे त्रै शोबे ने, जिहड़ा पहला शोबा है शरीयत दा, है शरीयत ही मगर वो है अल्लाह तो मंगना। जैसे आंदे हो दुआ करो ते शरीयत, वह मेरा अल्लाह घर नहीं घर दे, जर नहीं जर दे, पुत्र नहीं पुत्र दे, ए बंदा अल्लाह तो मंगदा है, इनू आख्या जाता है शरीयत। शरीयत तो अगे आ जाती है अकीदत, उत्थे कोई थोड़ा बाला कोलो खर्च करीदा, यानी कि सारा नहीं करीदा, कुछ हिस्सा जेड़ा है वो पाना पाउंदा। अच्छा, जेड़ा शरीयत दा तीसरा ऑप्शन है आखिरी, वो इश्क है, उत्थे कुछ नहीं पाना पाउंदा, उत्थे सब कुछ पाना पाउंदा। तो ऐ हैं शरीयत दे त्रै दर्जे, त्रै लेवल। शरीयत च बंदा अल्लाह तो मंगदा है, मेरा अल्लाह घर नहीं घर दे, जर नहीं जर दे, पुत्र नहीं पुत्र दे, और इश्क च बंदा नहीं मंगदा, इश्क च बंदा अल्लाह नूं देंदा है, ये घर भी तेरा, ये जर भी तेरा, ये पुत्र भी तेरा, तू मंगी आ मैं दिती हो। तो ये अपने अपने शोभे, तो हर शाय अपने शोभे नज़र आउंदी है, शोभे तो बगैर नज़र नहीं आउंदी। मजलस ए कानूनी ते बंदा ढूंढदा है इस मजलस नूं कोर्ट मोमन जो वो उत्थो वो इत्थे ही लभनी है जदन आए। जिहड़ियां शरीयत दियां चीज़ां ने वो शरीयत चों मिलनगियां, जिहड़ियां अकीदत दियां चीज़ां ने वो अकीदत चों मिलनगियां, ते जिहड़ियां इश्क दियां चीज़ां ने वो इश्क चों। ऐ वट जिहा लग गया, मातम विखाओ, मातम कित्थे लिखे है, मातम कित्थे लिखे है। मातम शरीयत दे शोबे दी शाय नहीं है, इश्क दे शोबे दी। तो जितों की शह हो उतों ही लभदी। पहली अस्थी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जेडे मंदले इश्क चो आए, ये जिहड़ी हज़रत इब्राहिम है गल जरा तवज्जो नाल सारे सुन लिया जाए, खास करके नौजवान बच्चे इस गल नूं अज महफूज कर, बुजुर्गों ते पता है ते बच्चे महफूज कर। हज़रत इब्राहिम मक्के दे नहीं, मक्के दे नहीं, जो मैं आ ते पिंडी बटियां गया ऐजरी दी वजह तो, हाँ मैं रतवाल दा मैं हिजरत करके इत्थे आ गया। जिमें तुसी कलोनी वाले भी एडा दैन ना चौड़ो, तुसी भी इतों देना हो तुसी भी खाजा खिजर दे चिके हो। अच्छा चलो फिर बड़ी गल हो गई। हज़रत इब्राहिम बेसिकली बाबल दे, बे अलबा बे लाम बल, इबरानी जुबान बाबल, वड्डा शहर, ये इराक चो है। हुण तुहानूं औखा ना करां, सौखा ही कर लवां, जिथे हुण करबला नहीं इत्थे बाबल आए, फुरात दे
किनारे ते जिथे हुण ज़ियारतां ते नौ जांदे करबला मोहल्ला। ये शहर का पुराना नाम जिहड़ा है वह बाबलाई ते इहदे छे महल्ले आण। ये वड्डा शहर आ और जितने महल्ले आण उतने ही मजहब आ ते हर महल्ले आले अपने मजहब का जिहड़ा महल्ले का ना है ना महल्ले का ना वो मजहब ते रखे आए। जिवें तुहाडियां अहले सुनन दियां चार दुकाना होण मोड़ ते तो लिख दिंदे ने फारूकी चौक, तुसी शिया चार दुकाना तुहाडियां किसे मोड़ ते होण ते तुसी लिख दिंदे हो हैदरी चौक। तो मजहब प्यारी शाय हुंदा है, हर किसे नूं प्यारा है, सानूं भी प्यारा है, बाकी लोगों नूं भी अपना मजहब प्यारा है, नसीब होवे हर किसे नाल। अच्छा तो ऐ लफ्ज़ हुण ज़ाया ना करना, जे जुबाना दा फर्क हुंदा है। हुण स्ट्रीट भी गली हुंदी है ते पढ़े लिखे बंदे गली नहीं आंदे, वो स्ट्रीट आंदे के स्ट्रीट नंबर 6 ते अनपढ़ मेरे जिहा होया उस आख्या गली नंबर 6। गल होई इबरानी जुबान चो महल्लेन करब आख्या जांदा है। की आख्या जांदा है? अंदर उच्चा बोलो मैं समझ आ जाए। काफ कशक आला, नुकते आला ना, काफ कशक आला रे ते बे करब। वो जिहड़े सूरज की पूजा करते आण उन्हें अपने महल्ले का नाम लिखे सी करबु शम्स, सूरज की पूजा करने वालों की मग। हुण इत्थे हुण कोई नहीं रहे, खत्म हो गए हैं, सूरज की भी पूजा हुई जनाब इब्राहिम के दौर च, बाद चो भी होंदी रही, अरब सारा पूजा ही करता आई। जिन्हां दा चंद की पूजा करते आण उन्हें अपने महल्ले का नाम रखिया सी करबुल कमर। इहदा की मायना बणिया? जरा उच्चा थोड़ा जिहा चकण वाली गल कही, फिर आप बैठे हैं, आप बैठे हैं, कोई गैर बैठा है। चंद की पूजा, जिहड़े सितारियां की पूजा करते आ वो लिखते आण करबुन नजूम। की मायना बणिया? सितारियां की पूजा, सितारियां जिहड़े अग की पूजा करते आण उन्हां दे महल्ले का नाम आई करबुन नार। नार अग की पूजा करना जिहड़े बुतां की पूजा करते आण उन्हां अपने महल्ले का नाम रखिया सी करबुल असनाम, क्योंकि सनम आते ने बुत नूं ते जमा हो गई असनाम। हज़रत इब्राहिम भी बाबल चो ही रहिंदे आ। हज़रत इब्राहिम चूंकि अल्लाह की इबादत करते आण इस वास्ते इन्हां दे महल्ले का नाम आई करब अल्लाह। तुहानूं बैठिया बैठिया की सुना छे है करब अल्लाह। जिस वक्त अरबी जुबान आ गई, इबरानी खत्म हो गई, तो फिर इहदा नाम अरबी जुबान जो तब्दील करब अल्लाह की जगह बन गया करबला। तो हज़रत इब्राहिम इम्तिहाने इश्क वास्ते करबला चो मक्के गए, जिहड़ा ना बोलिया उसते दुख लगेगा। हज़रत इब्राहिम इम्तिहाने इश्क देन वास्ते मक्के चो करबला चो मक्के गए, ते इमाम हुसैन इम्तिहाने इश्क नो मुकम्मल करन वास्ते मक्के चो सिद्धे करबला। तो ये आपस चो रबत है। इलामा इकबाल ने भी लिखा है रंगीन व सादा है दास्तान हरम, इब्तदा जिसकी इस्माइल नहायत हुसैन है। बेको करबला नवा काम नहीं, ये काम वो ये जड़ा इब्राहिम इस्माइल शुरू किया तो मुकम्मल बतूल दे पुत्र किया। तो ये सुनी शिया का मसला ही कोई नहीं, ये तो गल मुहम्मद रसूल्ला दी, ये सुने नबी की गल, सुने नबी की आस। अच्छा वो नफरत बनिया, गलत बनिया, पढ़ के नफरत फैला के गलत काम किया। वेखो सुनी शिया पिरा रल के पैली देते चारे जगह से, उत्ते राती भिखारियां और शिया नाल वाले सुनने की तादाद ज़्यादा होती है। इत्थे भी यही हालत ए, खत्म करो आले मुहम्मद नूं फिरके च नहीं लियाउणा।
कुरान जिमें हर मुसलमान का साझा है, इंजे हुसैन भी हर मुसलमान का साझा है। जा जा तो मेरे शेह सुनी भाई, अल्लाह तुहानू खुश रखे, अपने घरां च आबाद रहो, खुदा हर परेशानी तो महफूज रखे। सैयदा दुआ मेरा हक बनता है, दुआ मैं करनी चाहती है तो मैं दुआ करनी चाहिए। हज़रत इब्राहिम बाबल छोड़ के मक्के चले गए, हिजरत पहला कानून है इश्क दी मंजिल, क्योंकि वतन छड़ना औखा। उत्थे गए तो उत्थे बादशाह ये नालों भी ज़ालम आई, जिहड़ा इत्थे बादशाह आई ना बाबल चो, वो ये नालों भी हा वो को बंदा बस्ती छड़ के दूजी बस्ती टुर गया। बस्ती समझते हो, अब एक कलोनी छड़ के ते को पांच मील पर कलोनी टुर गया, ते को त्रों महीनों पिछों आ गया। वो बंदे आख्या आ गए हैं, उस आख्या तुहाडे नालों भी बुरे आ। वो हज़रत इब्राहिम बाबल छड़िया ते मक्के गए, उत्थे नमरूद एडा जालम बादशाह जिहड़ा अल्लाह ना मन्ने उहदा सिर ला दे, आखे मैं अल्लाह मन। अल्लाह पाक ने आख्या इब्राहिम पहला काम तेरा पास हो गया, पहले परचे जो तू 100% नंबर लै गया, तू वतन छोड़ दिता, हुण तेरा दूजा परचा है। इस टाइम नमरूद की करता है, आखे इस टाइम वो बनिया दे सिर लाँदा है, तो अगर होए आंदा है गुस्से च होए आंदा, फरमाया हुण ही लगा जाए ना, ते नंगियां तलवारां दे थले उहदी अख च अख पा के आख तू लांती है। हाय हाय लानती, अगर मेरा अल्लाह तो मैं मरवा देगा। तो फरमाया मुड़ रहा रहो शरीयत च इशक तो मंगते ही जान ही, इशक तो कुर्बानी मंगता है। फरमाया नहीं मेरा अल्लाह जाएगा, गए जाके आखन गए आ लानती आ शर्म नू आउंदी झूठिया खुदावा, बेगुनाह बंदियां पे मारना है। भाई उस आख्या इब्राहिम एडी जुरत, नंगियां तलवारां थले मेरे दरबार चो सिपाही मेरे मौजूद, तलवारां नंगियां हुकूमत मेरी, ते मेरा जाहो जलाल ते मेरी जाहो हशमत, तेन खौफ नहीं आया। फरमाया जदन बंदा अल्लाह नाल इश्क कर लवे ना, ओनू तेरे कल्ले दा की ये, ओ 9 लख तो नहीं डरदा तू। उचा बोलना है, मिल के बोलना है, सारे बोलना है। उस आख्या अगे सटो, की करो अगे सटो, अग दा सेक 9 मीलां चाहिए। ऐ जरा सूरज आ कढ़ी ये धराशर वेख लो, जरा ये असें भी याद ही रवे दी, हाँ ये असें नहीं भुलन लगी, पद्धर भुल गए हैं असें, जड़ी मसी है ना ये मसी मुसीबत याद ही रह दी, अज भी 42 दर्जा हरारत जेड़ के बराबर कम हो तो इश्क इमाम हुसैन ना अंज बाण होंदा इस करनी बंदे ना बंदे का। वो जैसे अग लाई उन्होंने कहा वे सट्टे कौन, वो जरा नेड़े जाए उन्हें सेक आवे पिछा। इतने भी इलामा इकबाल लिखे है बेखतर कूद पड़ा आतश नमरूद में इश्क, इश्क लिखे इलामा इकबाल ने, मौलवी किबला नहीं समझ पी आउंदी, इकबाल तो सारी गल समझ आ गया। बेकतर खूद पड़ा आतश नमरूद में इश्क, अकल है मैं वे तमाशा लबे बाम अभी भी, अकल सोई दी रही है ते इशक जो करना आई कर चढ़िया, जिमें असी जंजीर मारने आ, बंदे कोल खलो के सोई दी रहिंदे ने, ते असी अपनी कण दा नजराना पेश कर रहे हैं। अल्लाह
माशाल्लाह या रसूल सीने दे जोर नाल हैदरी अखीर बनाइयो ने वो की होंदा है वो पींग जी उन्हों उड़न कटोला भी आंदे ने चिखा भी आंदे ने वो आज करके वो विच बाह के अंज सटियो ने ओदे अग ते वही आ गई फरमाया खबरदार आम बंदा नहीं आ रहा मेरा आशक आ रहा मेरा खलील आ रहा बर्दन सलामन ठड्डी भी हो जा ते सलामती भी उजे से अग दे शोले वधे ना परिंदे भी बेचारे सेक तो हैवान भी ते बंदे भी अग जो आई हुद हुद हुण असी की आने हाँ किली तरखाण किली आग लो तरखाणा दे घर इत्थे ढेर सारे मते मार दे अच्छा वो किली तरखाण हुद हुद जिहड़ा है उस अग दी तरफ आ रहा अग दी तरफ आ रहा है अगो गिरज लगी जाए हूँ तो बच्चों तो पता ही कोई नहीं गिरज का वो टुर गई है हिंदुस्तान टुर गई है सारे हूँ मैं पूछे आप वतन क्यों छड़े आई हो सकता मैं हराम खाना आई हो बंदे खान लग पाया मुर्दा तो बंदे छड़दे कोई नहीं खाई तो खोते भी आऊंगे जहाँ जहाँ हजूर ने खैबर चु आके आप सलमान ऐलान कर मेरी उम्मत तो खोते हराम ने ते अगले दिन भी आ गुजरातों को 250 फदया ने उन्होंने चमड़े लत्थे बोटियां हुई हैं तो गोश फड़िया गया अच्छा अजे पता नहीं असं की करांगे हाँ 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 वो गिरज उदे लगी जाए जिदे अग नहीं ते होदो दोदे लगा जाए जिदे अग है वो अगो गिरज मिली उसका क्या कि पिछे हट हर कोई नसया जाता है उसका क्या जेड़ा नस जाए ना औखे वेले वो आशक नहीं उसका क्या मैं वेख के आई आग लगी उसका क्या तू राह छड़े ना मैं अग बुझान चलिया हो सकया नवा मीला च हो सकया जिथे इश्क होवे ना उथे हैसीयत नहीं वेंदे नीयत वेंदे हो सकया गल्लां तेन बड़ियां आउंदियां ने हैं तू एडा ये अग बुझदी कहना अगे अग बुझदी है पानी ना ते पानी किथे ही हो सकया तो चुंझे च लेलां हो सकया नवा मीला च आगे ते चुंझ चो त्रै कतरे पानी इहदे नाल बुझदी है ऐ जड़े आले सुन्नत पर आ बैठे हो मेरा सलाम कबूल करो साडे हाथ टुट जाण ते साड़ियां नस्लां मुक जाण जे असीं तुहाडी जिद तो मातम करदे होईए बिल्कुल मौली साहब तुहाडे डाढे ने तूं ना सख्ती कीती है पहलो करन आले नूं पुछीदा तूं किहड़ी नीयत नाल करना है मैं पहना मैं साडे हाथ टुट जाण ते साड़ियां नस्लां मुक जाण जे असी किसे सुन्नी बिरान तंग करन वास्ते मातम करदे होईए साडी ओह होदोदारी नीयत है हुद हुद क्या मैं जाऊंगा कतरा पानी का सटांगा अग बुझे जरा उच्चा बोलो नहीं जरा उच्चा बोलो नहीं अजे बोले ही ना होते अग बुझे ना बुझे मैं कतरा पानी का सटांगा पाल्टियां दो बन गई ने जदन मैं कतरा पानी का सटिया मेरी पाल्टी तो क्लीयर होंगी है ना मैं नमरूद दे नाल नहीं मैं इब्राहिम दे नाल हिम्मत ना बोल दियो हैदरी दमियां दे पार्टियां दो हो गई एक जालम दी एक मजलूम दी जिहड़ा मजलूम है वह रसूल का पुत्र है असी दो हाथ सीने ते मार के आने मेरा अल्लाह गवाह रही असी जालम नाल नहीं
ਅਸੀਂ ਉਂਝ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਇਤ ਦੀਵਾਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੱਥ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀਦਾ ਹੱਥ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾ ਲੈ ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਆਈ ਜਿਹਨ ਬਤੰਗੜ ਬਣਾਇਆ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਵੀ ਇਬਰਾਹੀਮ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਵੀ ਪਰਚਾ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਬੀਵੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੰਗਲ ਚੋਂ ਛੋੜਿਆ ਐ ਸਫ਼ਾ ਮਰਵਾ ਹਰ ਸ਼ਹਿ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਬਣੀ ਗਈ ਐ ਸ਼ਹਿਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਬਣੇ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬੱਕਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰ ਹੈ ਇਹ ਮੱਕਾ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਚੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਮੱਕਾ ਨਹੀਂ ਇਨਾ ਵਾਲਾ ਬੈਤਨ ਵੋਜ਼ਿਆ ਲਿਲਨਾ ਸੇ ਬਾ ਬੱਕਾ ਤਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬੱਕਾ ਹੈ ਰੋਣੇ ਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਇਰਫਾਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬਹਿ ਕੇ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਹੈ ਰੋ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਬਿਆਨ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆਬਾਦੀ ਨਾ ਆਈ ਪਾਣੀ ਨਾ ਆਈ ਸਾਇਆ ਨਾ ਆਈ ਝਾੜੀ ਨਾ ਆਈ ਛੱਤ ਕੋਈ ਨਾ ਆਈ ਦੀਵਾਰ ਕੋਈ ਨਾ ਆਈ ਇੱਥੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਇਸਮਾਈਲ ਨੂੰ ਛੋੜਿਆ ਅਤੇ ਜਨਾਬੇ ਹਾਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਛੋੜਿਆ ਅਤੇ ਹੱਦ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਐਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਰਹਿਣਾ ਬੱਚਾ ਬਚੇ ਨਾ ਬਚੇ ਰਹਿਣਾ ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੂੰ ਨਬੀ ਦੀ ਬੀਵੀ ਹੈ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਇੱਥੇ ਦੌੜੀ ਔਰ ਇਸਮਾਈਲ ਨੇ ਏੜੀਆਂ ਰਗੜੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਬਰਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਮਜ਼ਮ ਜਨਾਬ ਇਸਮਾਈਲ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਮੁਜਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਉਹ ਜ਼ਮਜ਼ਮ ਸਮੀਲੇ ਇਸਮਾਈਲ ਹੈ ਅਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਸਬੀਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਬੀਲੇ ਹੁਸੈਨ ਜੇ ਸਬੀਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਣ ਉਹ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਬੀਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸਮਾਈਲ ਦਿਆਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਬੀਬੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੰਨੀ ਬਣਾਈ ਬ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਬਰਾਨੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚੋਂ ਜਿਸੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੰਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖੀਏ ਨਾ ਰੁਕ ਜਾ ਰੁਕ ਜਾ ਰੁਕ ਜਾ ਉਹਨੂੰ ਇਬਰਾਨੀ 'ਚ ਆਖੀਦਾ ਜ਼ਮ ਜ਼ਮ ਫਰਮਾਇਆ ਕੁਰਾਨ ਅਰਬੀ 'ਚ ਆਏਗਾ ਮਗਰ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਹੁਣ ਜ਼ਮ ਜ਼ਮ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਉਹ ਰੁਕ ਜਾ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਖਾਬ ਆਇਆ ਇਬਰਾਹੀਮ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਫਰਮਾਇਆ ਹਾਜ਼ਰ ਖਾਬ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰ ਆਪਣਿਆਂ ਹੱਥਾਂ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬੇਟਾ ਖਾਬ ਡਿੱਠਾ ਹੈ ਫਰਮਾਇਆ ਬਾਬਾ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਬੇਟਾ ਵਹੀ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਬਾਬਾ ਨਬੀ ਦੀ ਵਹੀ ਵੀ ਉੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਬੀ ਦਾ ਖਾਬ ਵੀ ਉੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਖਾਬ ਸੁਣ ਤੇ ਲਾਇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਕਿਸ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਇਸਮਾਈਲ ਕੋ ਆਦਾਬ ਫਰਜ਼ੰਦੀ ਬਾਬਾ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਅੱਗੇ ਬੇਟਾ ਸੁਣ ਤੇ ਲਾਇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਬਾ ਕੀਤਾ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਫਰਮਾਇਆ ਸਬਰ ਕਰਾਂਗਾ ਫਰਮਾਇਆ ਪੁੱਤਰ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਤੇਰੀ ਮਾਨ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਮੇਰਾ ਪਰਚਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਧ ਮਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਅੱਧ ਪਿਓ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਔਲਾਦ ਸਾਝੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੰਮਾ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਫਰਮਾਇਆ ਤੂੰ ਨਾ ਬੋਲੀ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂਗਾ ਘਰ ਆਏ ਹਾਜ਼ਰਾ ਮੇਰੇ ਇਸਮਾਈਲ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਸੋਹਣੇ ਪਵਾ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਛੁਪਾ ਲਿਆ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਨਬੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਫਰਮਾਇਆ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਕੋ ਜ਼ਿਬਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੋ ਜਨਾਬੇ ਹਾਜ਼ਰਾ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾ ਲੱਗੀ ਆਵਾਂ ਦੋਸਤ ਜੋ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਲੱਗੀ ਚੱਲਣੀ ਹਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਦੋ ਬੰਨਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਤੀਸਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਇਸਮਾਈਲ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਜਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੁਹਰਮ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਛੜਿਆ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ ਅੱਗੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਲੋਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਪੜ੍ਹੇ ਅੱਗੇ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬ ਅਗਲੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ
पर इस बारी जी मैंने मुहब्बत दी है ने इस इलाके सुनी शिया ने मैं सैयद होकर तुहाडे वास्ते दुआ करूँ। ए लफ़ज़ जरा तवज्जो ना सुन लिया जे जाया ना हो जाए। फरमाया तू नहीं आएंगी, तू घर रहेंगी ते मेरे इस्माइल नू सोने कपड़े जिमें शादी के कपड़े नहीं होंगे। ये 18 साल इस्माइल की जिंदगी 18 साल दे हो गए। मस लै पई माँ कदी उस कमरे च, कदी उस कमरे च, कदी उस कमरे च, कदी उह बक्सा, कदी उह बक्सा। त्रै बारी इब्राहिम नू आखना पिया ते तां हाजरा कपड़े पवाए। दमी आले दिन एक बारी भी हुसैन नू नहीं आखना पिया कि लैला मेरे अकबर नू कपड़े पवा। हर माँ अपने पुत्र नू आप ही तैयार। छुरी भी लई, रस्सी भी लई ते मिना च आए जिथे हाजी हुण लैला सेवा करदे ने, ये वो जगह है। इत्थे आए ते फरमाया पुत्र लेट। फरमाया बाबा ऐ, फरमाया एडा हौसला नहीं, मैं तेरा मुंह भी वेखा ते छुरी भी चला ते मेरा पुत्र तड़पना भी नहीं। जिथे हाथ रखने नहीं रख लै, जिथे पैर रखने नहीं रख लै। फरमाया बाबा जान वसे चाहिए इनकार नहीं कीता, तड़पना वसे च नहीं। बाबा छुरी चलेगी, खून निकलेगा, दर्द होएगा, तड़पांगा। अच्छा फिर हाथ पैर उरे कर। प्यो अपने हाथों नाल पुत्र दे हाथ पैर कस के बन दिते ते फरमाया बाबा हुण किवें लेटा। फरमाया उल्टे मुँह। जनाबे इस्माइल एदो जिबा नहीं होए। छुरी और इमाम हुसैन नूं ही खंजर एदो इच्छा जा जा जा। बाबा चलाओ छुरी, शायद मैं समझा ना सकां। हद गर्मी भी हद तो तजावज़ कर गई है, रश भी हद तो तजावज़ कर गया, मगर उम्मीद है जुमला ज़ाया नहीं जाएगा। फरमाया बाबा चलाओ भी छुरी। जनाबे इब्राहिम ढा मारी ते फरमाया ठहर जा, एक तेरे वास्ते च नहीं, एक मेरे वास्ते च। पुत्र रस्सी बद्धी खुद, पट्टी बद्धी ते कमदिया हाथों नाल छुरी चली। उस आवाज़े हुसैन आई, मेरा ला मैं इस तो अजीम कुर्बानी दिया। शक इब्राहिम भी को नहीं छड़िया, कमी इब्राहिम को नहीं छड़ी मेरी इज्जत दे, मगर मैं प्याना मैं इस तो अजीम कर दिया। अल्लाह दी जात जान बुझ के पुछदी है हुसैन तू किवें अजीम करेंगा साढ़े तक पहुँचाण वास्ते। फरमाया इस रस्सी बद्दी के पुत्र नूं मैं रस्सी नहीं बनांगा, इहदा भी 18 सालां दा है, मेरा भी 18 सालां दा होवेगा। इहदा वेखण वाला कोई नहीं, मैं लखां वेखण वाले होंगे। इस पट्टी बद्दी है दादे इब्राहिम, मैं पट्टी नहीं बनांगा, इहदा हथ कमिया है, मेरा हथ नहीं कमिया। ते एक फर्क होर बड़ा वड्डा है, ये माँ तो छुपा के ले आया। सोना समझे हो यार, ये माँ तो छुपा के ले आया है। ते मैं तेरी जात की कसम है मैं माँ तो मनवा के ले आवांगा। आवाज़े कुदरत आई जबरील दुम्बा लै ते भजदा जा। सच्ची माँ दा सच्चा पुत्र वादा प्या करता है, इंशाल्लाह पूरा करेगा। जनाबे जबरील इस्माइल नू हटा लिया ते दुम्बा लिटा दिता। ऐ छुरी चल गई दुम्बे की गर्दन ते, गर्म खून हत्थां ते पिया। बाप की शफकत जड़ी है वो जज्बात च आई, पट्टी लाई, पुत्र मुस्करा रहा है, दुम्बा तड़प रहा है। आंदे मेरा अल्लाह ये की। फरमाया बाबा फिदाए ना हो बेजिबिन अजीम, मैंने ये नालों भी अच्छाइयाँ ज़्यादा लग गई हैं।
मालिक जवान पुत्र तो वड्डी कुर्बानी को की देगा। फरमाया तू रस्सी बदीए वो रस्सी नहीं बनेगा, तू पट्टी बदीए वो पट्टी नहीं बनेगा, तू माँ तो छुपा के आंदा है ओदी माँ सामने होगी। फरमाया मेरा अल्लाह मैं वो वेखना चाहना वो कौन होएगा। फरमाया जदन वक्त आया वेखना चढ़िया दामी का दिन। आवाज़ कुदरत आई सारे नबी वली चलो कर बला ते मेरे सच्चे आशक दा इम्तिहान वेखो। ज़रा गर्मी भी वेखो, ज़रा प्यास की शिद्दत भी वेखो, ज़रा हालात भी वेखो। मेरे मजहब के मुहक्क आयतुल्ला जवाद तबरेज़ी लाहिरामा लिखते ने दावी वाले दिन सिवाए आउन ते मुहम्मद दे इमाम हुसैन जिहदे कोल भी गए ने उहदा सर चा के जोड़ी च रखे। दूजा काम करदे आं अपना दामन लै के उहदे चेहरे तो खून और मिट्टी साफ करदे आं ते त्रीजा आंदे आं मेरियां उंगलियां च वेख ओ मेरा नाना बाल खोल के प्यार होंदा। मैं डीगर दा सजदा दे के आवांगा तू कौसर पी लवी। सारिया कौसर पीता है अब्बास नहीं पीता। फरमाया आका मैनू हुक्म ना दिया जे तेरा हुसैन तस्सा बैठा है, मैं किवें पीवां बतूल दियां धीआं तस्सियां बैठियां। एक बारी मेरे नाल बोलो तो मैं बहन पड़ा। पहला काम केड़ा करदे आं सर चा के उच्चा बोलो सर जोड़ी रखदे आं। तो दूजा काम जिहड़ा बंदा मुहिब्बे आले बैत ही उहदा वैण ना आया मैं सैयदा मैनूं दुख लगेगा मैं एड्डी मेहनत करके लै आया भी ये मोमन आई है दा हक आई है करना। हर जीन तो लाण आले दे तेरे तो मिट्टी हुसैन पूंजी है ते जदन हुसैन गए ना अली अकबर दे कोल अकबर की आवाज़ आई बाबा बाकी गल्लां बाद जरा मूँह अगे करें ना मैं तेरे चेहरे तो मिट्टी मरहबा मरहबा मर। बाबा जनेया मैं हाँ ते मिट्टी तेरे चेहरे ते। फरमाया कितनी बारी जने हैं अके बाबा मैं एक बारी जने हाँ। फरमाया मैं खैमे दे दर तो लैके तेरे तक हर कदम ते मुँह दे बाहर झड़दा आया। पुत्र झड़न दा एडा दुख नहीं जेडा शामियां मैंने मेहने दिते ने ना। मैं जैसे डिगदा मेरा मजाक उड़ांदे आंदियां हुण अकबर लै गया हुण टुर के विखाए ते बाबा एडे औखे क्यों आए हो। फरमाया आउणा पौंदा आई ओ दादा इब्राहिम आया आओ दादा इस्माइल आया मेरा पुत्र मैं उन्हां नाल वादा कीता ई जाते अल्लाह नाल मेरा पुत्र औखा वक्त आ गया इम्तिहान दा। मेरा पुत्र मैं कढ़ना है तेरे सीने चो फल बरछी दा जिथे हथ रखने नहीं रख लै जिथे पैर रखने नहीं रख लै जिथे सर रखने ही रख लै। कायनात हले ते हले तेरा जिस्म ना हले। फरमाया बाबा वादा होया मैं नहीं हलांगा मगर बाबा एक गल ते दसो जदन दादे इब्राहिम दादे इस्माइल दे गल ते छुरी रखी आई ते दादा हाजरी के दादी हाजरा किथे आई। फरमाया उन पता कोई ना आई दादी हाजरा सलामुल्लाह लाया घर आई। फरमाया बाबा क्या इंज नहीं हो सकता हथ तेरा होवे सीना मेरा होवे ते वेखण वाली मेरी माँ सामने हो। इमाम हुसैन खैमे अल मुँह करके आंदे अली अकबर दी अम्मा जरा सामने हो मैं तेरे पुत्र दे सीने चो फल बरछी दा कढ़ा। जिहड़ा बंदा शिया है उहदा मातम ना आया मैं दुख लगेगा। खैमे चो आवाज़ आई मैं हाजरा नहीं मैं अली दी नूं हां आखो ते बुरका पा के कोल लगियां वा। सैयदां दा जब तक मैं ना आखां कोई मस्तूर खैमे चो बाहर। बेटा तैयार बाबा तैयार बेटा फल कढ़ा कढ़ बेटा हलेंगा ते नहीं बाबा वादा होया नहीं हलांगा। त्रै फला नेजा आए लगा कंड चो आई सीने लो निकलिया आए ए माफी दे दे जवान दी मौत है
ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਮਸਕੀਨ ਬੰਦਾ ਵੀ ਅੰਜ, ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਅੱਜ ਅੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਅੰਜ ਕਰਕੇ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੱਯਦ ਹੋ ਕੇ ਅੰਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆ ਕਰਨਾ। ਅਹਿਲੇ ਸੁਨਤ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਰਸੂਲ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਾਲਾ ਪੁੱਤਰ ਜੇ ਸੁਨੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋ, ਜਿਸ ਰਸੂਲ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਸ਼ਕ ਹੋ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਹਮ ਸ਼ਕਲ ਜੇ, ਇਹ ਹੁਸੈਨ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈ ਆਈ ਵਾ, ਮੈਂ ਨਾਨੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸ਼ਬੀਏ ਮੁਹੰਮਦ ਆ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਿਆ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਜਾ ਜਾ ਜਾ, ਐ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਬੰਨ ਲਵਾਂ। ਆਖਿਆ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੱਲੀ ਨਹੀਂ। ਫਰਮਾਇਆ ਬਾਬਾ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਫਲ ਕੱਢ, ਨਬੀ ਪੈ ਵੇਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਕਾਇਨਾਤ ਵੀ ਵੇਂਦੀ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਕਿਆਮਤ ਤਾਈਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਸੈਨ ਖੱਬਾ ਹੱਥ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਛਾਤੀ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਫਲ ਬਰਛੀ ਦਿਨ ਪਾਇਆ, ਸੱਯਦ ਹਿਲਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਲੂਨੇ ਵਾਲਿਓ ਜ਼ਮੀਨ ਹੱਲੀ ਹੈ। ਅਕਬਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਬਾਬਾ ਵੇਖ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੱਲਿਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਪਈ ਹੈ। ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ, ਆਸਮਾਨ ਵੀ ਪਿਆ ਹਲਦਾ ਹੈ, ਚਰਖੇ ਕੋਹਨ ਪੈ ਹਲਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਸ ਜਹਤ ਪੈ ਹਲਦੇ ਨੇ। ਸਈਦ ਦੂਜਾ ਹਿਲਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੁਹੰਮਦ ਮਦੀਨਾ ਛੋੜਿਆ ਹੈ, ਅਲੀ ਨਜਫ ਛੋੜਿਆ ਹੈ, ਬਤੂਲ ਹੱਥ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਚਾਇਆ ਹੈ। ਸ਼ੀਆ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵਹਿਣ ਤਾਂ ਵਾਜਬ ਹੈ ਨਾ, ਸੁਨੀ ਬਾਈ ਨਾ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ੀਆ ਦਾ ਵਾਜਬ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਈਦ ਦੂਜਾ ਹਿਲਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਦਰ ਖੈਮੇ ਤੋਂ ਜਨਾਬੇ ਜ਼ੈਨਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਕੰਮ ਔਖਾ ਹੀ, ਆਖੇ 'ਤੇ ਬਹਿਣ ਲੱਗੀ ਆਵੀ। ਸੋਹਣਾ ਰੋਨੇ ਹੋਏ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਨੂੰ, ਸੋਹਣਾ ਰੋਨੇ ਹੋਏ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਨੂੰ, ਇੰਜੀ ਰੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸੋਹਣਾ ਰੋਨੇ ਹੋ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ। ਫਰਮਾਇਆ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨਾ ਆਖਾਂ, ਕੋਈ ਮਸਤੂਰ ਖੈਮੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਸਈਦ ਤੀਜਾ ਹਿਲਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਫਲ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਇਕੱਲਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ, ਅਕਬਰ ਦਾ ਸੀਨਾ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਕਸਮ ਕੁਰਾਨ ਦੀ, ਤ੍ਰੈ ਪਸਲੀਆਂ ਅਕਬਰ ਦੀਆਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ। ਫਰਮਾਇਆ ਬਾਬਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀ, ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਰਾਜ਼ੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਨਾ ਰਾਜ਼ੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਰਾਜ਼ੀ। ਸਈਦ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਖੂਨ ਲੈਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਰਮਾਇਆ ਹਮ ਸ਼ਕਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਖੂਨ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਉਸੇ ਹਾਜਰਾ ਇਬਰਾਹੀਮ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ, ਆਓ ਟੁਰ ਚਲੀਏ, ਜ਼ਿੱਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੋ ਮਰਹਬਾ, 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 ਮਰਹਬਾ। ਪਾਕ ਬੀਬੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ, ਪਾਕ ਬੀਬੀ ਤੇਰੇ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਪੈ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਤਾਵਾਂ ਮਾਫ ਕਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੂਰ ਫਰਮਾ ਦੇ। ਬਾਬਾ ਰਾਜ਼ੀ, ਫਰਮਾਇਆ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਰਾਜ਼ੀ। ਅਕਬਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਿਬਨ ਅਜ਼ੀਮ ਦੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਟੁਰ ਪਈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਇਨਸਾਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਸ਼ਊਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਫਜ਼ਕੁਰੂਨੀ ਅਜ਼ਕੁਰਕੁਮ, ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਕੋ ਬੇਦਾਰ ਤੋਂ ਹੋ ਲੈਣੇ ਦੋ। ਹਰ ਕੌਮ ਪੁਕਾਰੇਗੀ, ਹਮਾਰੇ ਹੈ ਹੁਸੈਨ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਏਗਾ, ਕਦਮ ਕਦਮ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਫੁੜੀ ਵਿਛਾਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਮਿੱਟੀਆਂ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜ਼ਾਕਰ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਉਹ ਸੁਣਨਗੇ। ਪੁੱਤਰ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦੀ ਮਜਲਿਸ ਹੋਏਗੀ, ਮਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਚੱਲਿਆਂ, 10 ਮੁਹਰਮ ਦੀ ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦੀ ਮਜਲਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦੀ ਮਜਲਿਸ ਹੋਏਗੀ। ਅਕਬਰ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਮਜਲਿਸ ਦਾ ਰੰਗ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਨਾਵੀਂ ਦਾ ਦਿਨ ਲਾਂਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨਾਨੀਆਂ, ਦਾਦੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ, ਫੁੱਫੀਆਂ, ਮਾਸੀਆਂ, ਧੀਆਂ, ਭਣਈਆਂ, ਭਤਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇਮਾਮ ਬਾਰਗਾਹ ਦੀ ਮਿੱਟੀ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਲਾਜ਼ੇ ਲਾਜ਼ੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੈਨ ਪੁੱਛਦੇ ਰਾਸਣ, ਅਜੇ ਅਕਬਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਹੁਸੈਨ, ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਲਾ ਕਿਸੇ ਗਮੇ 'ਚ ਨਾ ਰਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਬਤੂਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ। ਪੁੱਤਰ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਮੇਰੀ ਮਜਲਿਸ ਹੋਏਗੀ, ਦਾਮਨ ਦੀ ਰਾਤ ਆਜ਼ਾਨ ਦੀ ਮਜਲਿਸ ਤੇਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ, ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਇੰਝ ਰੋਣਗੇ ਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ,
इंज लगेगा भी जनाजा करबला चो नहीं उठिया, जनाजा मस्जिद चो पिया उठता है, जनाजा इमाम बारगाह चो पिया उठता है। ये मंजर होगा रोन वालों का, लोग तसलियां देने वाले हो गए। तो पुत्र एक हूँ तकलीफ है थोड़ी जी, मदद बड़ी की आ बुढ़े प्यो की, मैं 64 साल का तू 18 साल का, तेरी मौत ही मैन मुका गई, उतो फल मुका गया, तो उतो मैं वादा कर आया भैणा नाल मैं अकबर खैमे च लै आवांगा। पुत्र एक बारी मेरा चेहरा तो वेख, मैं तेन जान जो हाँ। आवाज आई, बाबा दाढ़ी तो चिट्टी हो गई। फरमाया, जदन आया सोदन काली आई, तेरी मौत मुका गई। मेरा पुत्र कोई सूरत ऐसी नहीं हो सकती, इतों बाई जा जिते दर्द होवे ना उत्थे हथ रखी दे। मैं ना कई बारी गेंठिए का दर्द होंगे तो मैं इतने जोर का फड़ लेना, या मैं रस्सी नाल बन देना, या सिर न दर्द हो इस तरह फड़ लईद, इतने सीना पाट गए आई अकबर, तो अकबर इतने हथ रखे आन इस तरह। फरमाया, मेरा पुत्र इतों हथ च आए ना। फरमाया, बाबा दर्द बड़ी, बाबा त्रे बड़ी लगी। फरमाया, पिवा सकना मगर पिवाना नहीं, पीना नाने कोल होई आ। ते पुत्र एक काम ना कर लईए, तू जल्दी जल्दी हथ जाए ना, तू हथ पा मेरे गले च, मैं अपना सीना तेरे सीने नाल इंज घुट के लाना ना। ऐस जुमले ते यकीन करो, क्यामत दा मंजर भी मैं माइसा ही वेख्या जेड़ा मैं पढ़न लगा। फरमाया, तेरा सीना मैं अपने सीने नाल इंज घुट के लाँगा ना, तेरिया हथा वाली कमी महसूस ना होगी। तो फरमाया, बाबा मेरा सीना तेरे सीने ना लगेगा तो तेन की फायदा होएगा। और फरमाया, बड़ा फायदा होएगा, तेरा दिल धड़कता रहेगा, मैं उस आसरे ते टुरदा। जवान का वहन है बी, संभल के सुनया है, ये थोड़ा उत्ते करना, पर तो ठीक हो गया, छोड़ दे, बिल्कुल छोड़ दे। जवान का मौत है बई, जवान की मौत घर की मौत होती, जवान जिस वेड़े चो टुरे ना वेड़ा मुक जाता। हूँ जरा वेखोगा मेरे हाल, जरा मेरे लैक बारी वेखो, ऐ अली अकबर उंगलियां चुंगलियां पाइया ने, ऐ प्यो दे गले च बाहीं पाइया ने, इमाम हुसैन अपनिया बाई अकबर की कंध से वलाइया। शिया सुनिया जिमें कारी अगे कुरान आंदा, इंज अकबर का मूह हुसैन अगे। जेड़ा बंदा शिया है, शिया के घर जमया है, माँ की झोली चो मैला सुन लगा, भावें बाहर बैठा है, भावें रोड ते खड़ा है, भावें पिछली दीवार नाल, भावें दरवाजे अगे, ओदा हाथ एक बारी मैन शिया दा सीने ते नजर आवे। मैन कसम अली दी आखरी सजदे दी, मैं किताबां चिंजे पढ़िया है, टुरदा एक कदम चुमदा नौ बारी। वाह 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 वाह, मुसाफिरां तुहाडे दर ते आया, सोना मुहर्रम सुनिया है, हद कर दिती है सुनन दी, मैनूं जिंदगी याद रहेगा, मगर मैं मिन्नत करना पिया, मेरे जवान आओ, मेरे नौजवान आओ, मेरे हमसरा आओ, मेरे तो जेड़ा चार दिन वड्डा है, दानू कसम अली दी एक बारी मेरे नाल बोलो, टुरदा आखो ना एक कदम, ये सारे बोलो, टुरदा चुमदा, ते आओ हुण रल के मैं भी पिटां ते तुसी भी पिटो।
हर बोसे नाल वैन कर गया दाए रुत मेरी आए टुर तू सैयद आंदा बेमौसमी आई आई वा मेरा दाड़ी लांदा वाह 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 सैयद आंदा तेरा वाल बिना देवा दीन नाई बजदा मैं मंजर बनावा ना मैं मंजर बनावा ना मैं तो सीधा खड़ा ना हुसैन सीधा नहीं टुरिया हुसैन एडा पुत्र कलियां जा के टुरन होंदा है सजे मोड़े नालो आवाज आई असां शरीयत बनाई आई व्यो पुत्र दी लाश ना जाए तीन जानी पै गई ओ नाने दियां जुल्फां खुल गईयां नी ओ मां हथ पासे तो जा ले आई ओ मेरियां धीयां दर कना ते पियां टकरा मार दियां नी एक पास्यो तू जा एक पास्यो मैं जाना आवाज आई बाबा खैबर दा दर जाना औखा या लाशा अकबर जाना औखा सैयद अगे तुरे है जो अचानक आवाज आई है अस्सलाम अलैका या अय्युहल गरीब ओए जमाने दा गरीब मेरा सलाम होवी मैं हुसैन नो मिलना है आवाज आई मैं हुसैन हाँ ते तू मैन क्यों मिलना है आंदा मैं तेरी धी दा कासेदा सुगरा दा कासदा अकबर दी शादी दियां तांगा लई बदिए मैं सेरा ले आया मैं गाना ले आया ओ तेरी भैन मदीने याद भई कर दिए सैयदां दा बाबा हिम्मत कर मते तेरियां जींदे दा मुंह वेखदा ए दो अकबर दे चेहरे ते मौत दी जर्दी आ गई है सैयद केड़ा काम कीता अकबर दा मुंह ते सैयद गोडे दी टेक ला के आंदा है जिन्ना मिलना है ओए मेरे अकबर नू हुण जल्दी बाहर आओ ओ मेरा नहीं बचदा है वो दाड़ी लांदा इंदी ता तो लाना कवला ओ जिना मिलना है ओ जिना मिलना है ओ जिना मिलना है मेरे अकबर नू हुण जल्दी बाहर मिलना है मेरे अकबर नू हुण जल्दी बाहर आओ ओ जिना